हाय गाइस, तो तैयार हैं फिर टेस्ट नंबर 4 करने के लिए। टेस्ट नंबर 4 ऑफ डिवीजन, भाग के सम्स करने का टेस्ट नंबर 4। ठीक है, आज की जो वीडियो है, आज का जो टेस्ट है वो है बेस्ड है वीडियो नंबर 132 पर। इससे पहले कि मैं नाम बताऊं उन लोगों के जिन्होंने कल मुझे टेस्ट करके भेजे थे, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा था कि कल ना एक या दो व्यूअर्स के थोड़ी सी हिम्मत वो हार रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि वो ये क्या हो गया कि ये हमें नहीं आता है। अगर आप अच्छे से समझने की ट्राई करोगे तो आपको जरूर आ जाएगा, और हिम्मत नहीं हारनी है। इंसान वही सफल होता है जो हौसला जो अपना छोड़ता नहीं है, जिसके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। एक बार ही नहीं आया, दो बार ही नहीं आया, तो आएगा ही आएगा अगर आप मेहनत करते रहोगे, है ना। कछुए और खरगोश की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, है ना, कि कछुए और खरगोश में जब रेस हो रही थी तो क्या हुआ, खरगोश सो गया और कछुआ जो है धीरे धीरे करता हुआ एंड पॉइंट में पहले ही पहुंच गया खरगोश से, जबकि खरगोश ये सोचता था वाह मैं तो इतना फास्ट दौड़ता हूँ, मेरे से कहाँ ये आगे निकल पाएगा, ये तो बिल्कुल ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन कछुआ आगे निकल गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कछुए की तरह ही चाहे आप आगे आगे बढ़े, चाहे धीरे धीरे करके ही आप प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में, लेकिन खरगोश की तरह सोते मत रहना प्लीज, ठीक है। तो अगर आप धीरे धीरे भी आगे बढ़ते रहोगे तो आगे तो बढ़ोगे ना, कि हिम्मत हार ली कि नहीं भैया ये मेरे से नहीं होता और चीज छोड़कर बैठ गए, और चाहते भी हो करना तो हिम्मत नहीं हारोगे तो हो ही जाएगा। तो चलिए अब बताती हूँ उन लोगों के नाम जिन्होंने कल के टेस्ट करके मुझे भेजे थे। वो हैं सुमेश, सुरेंद्र सिंह, विराज एंड प्राची वर्मा। कल विराज ने भी मुझे भेजे थे, कल विराज ने मुझे टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 इकट्ठा करके भेज दिया, और टेस्ट नंबर 3 और टेस्ट नंबर 4 मैं होप करती हूँ कि आज वो मुझे इकट्ठा ही करके भेज देंगे, मतलब जब टेस्ट नंबर 4 भेजेंगे तो तब टेस्ट नंबर 3 भी भेज देंगे। हिम्मत नहीं हारना है, जो मैंने बताया कि ये वाला टेस्ट इस वीडियो के ऊपर बेस्ड है तो उसी हिसाब से आपने करना है, ठीक है। जैसे कल एक व्यूअर बोल रहे थे कि मैम मुझे डेसिमल नहीं लगाना आता तो प्लीज समझा दीजिए, बट जो कल का टेस्ट था उसमें तो डेसिमल की बात हुई नहीं, है ना, उसमें तो क्या था कि जितना रिमाइंडर बच गया बस उसको अपने चेक में डाल देना है। तो इसी तरह से करना है आज का टेस्ट भी सोच समझ कर, और आज के टेस्ट में ना मैंने आपको चेक वाला काम नहीं दिया कि चेक भी करो, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इसमें है डबल डिजिट, डबल डिजिट के साम अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आते होंगे तो आप कर नहीं पाओगे। तो अगर आपको आते हैं डबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई तो आप अपनी तरफ से करके भेज देंगे चेक वाला काम भी, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। बट अगर आपको मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं आता है तो वो आप रहने दीजिए, सिर्फ आपने डिवीजन करनी है और आपने साथ में वो करके भेजना जो मैं बोलती हूँ कि डिवाइजर डिविडेंड, वो जो आपने लिख कर भेजना है, तो वो सब आप करिए। तो आई होप आप रेडी हैं टेस्ट के लिए, तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट में कौन से सम्स हैं। तो टेस्ट नंबर 4 जो है वो है बेस्ड है वीडियो नंबर 132 पर। इसमें मैंने आपको 4 सम्स दिए हैं और इसमें आपने आज चेक वाला नहीं करना है, सिर्फ सम्स करने हैं आपने और ये वाला काम करना है जो मैं अभी आपको बताती हूँ इसके बाद, ठीक है। तो ये देखिए जो फर्स्ट सम है उसमें क्या है, 3852 को डिवाइड करना है 12 से, उसके बाद 4752 को डिवाइड करना है 11 से, उसके बाद है 4447 को डिवाइड करना है 13 से, सॉरी हाँ, और 6765 को डिवाइड करना है आपने 10 से। तो ये 4 सम्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि पहले वाले 3 टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि चेक भी करना, वो आपने नहीं करना है अभी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आपको डबल डिजिट में ना आती हो, तो सिर्फ ये सम्स करने हैं। कुछ डाउट है वीडियो नंबर 132 देख लेना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और इसके बाद जो आपने एक और काम करना है वो ये कि डिवाइजर डिविडेंड ये सब लिखकर भेजना है मुझे, ठीक है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। हिंदी में लिखिए, भागफल भाज्य वो लिख दीजिए, शेषफल वगैरह हिंदी में, चाहे आप इंग्लिश में लिख दीजिए, तो कोई फर्क नहीं है हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में भी आपको करना है याद रखना है। ये मैं आपको रोज इसलिए करने को देती हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ स्पेलिंग्स वगैरह ना सब लर्न हो जाएंगे और आपको कभी ये भूलेगा भी नहीं कि भागफल किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, क्वोशेंट किसको बोलते हैं, है ना, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, स्पेलिंग्स भी आ जाएंगे और कॉन्फिडेंट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद आपने मुझे भेजना कैसे है टेस्ट, वो ऐसे कि या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7380000878 पर, और या फिर ईमेल कर दीजिए सावी SAAVI 0878@gmail.com,
ठीक है, इस मेल पर मुझे आप भेज दीजिए। आपने क्या करना है, टेस्ट करना है नोटबुक पर या किसी पेपर पर, और फिर उसके जो पिक खींच कर ना मुझे भेज देना फिर, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। और वैसे मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ और बात आपको कहनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सब क्लियर हो गया होगा आपको। बस यही कहना रह गया, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। अपने फ्रेंड्स और कजन्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लेना, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या ना बांटने से बहुत बहुत बढ़ती है। तो चलिए अब करते हैं गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।